तो ये दादी यहाँ पे, दादी कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा। एकदम बढ़िया बढ़िया। तो दादी मुझे क्या क्या मिलते हैं अपने यहाँ? कोपरा पेटीज, खांडवी, खांडवी और पापड़ा। और पापड़ा। तो वैसे कितने सालों से ये शो? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए और आप शुरुआत से यहीं पे हैं? ये खाना आपको। तो दादी वैसे शुरुआत कैसे हुई थी इस काम की? वो दादा ही ने किए थे बेटा, मेरे को तो आता भी नहीं था। अच्छा, तो साथ में शुरू किए काम। और अभी आपके बेटे भी यहीं पे, ये इनके बेटे हैं, जेठालाल के बहुत बड़े फैन है। तो दादी आपने जो पापड़ा है वो जलेबी के साथ सब होता है, कढ़ी के साथ कि सिर्फ ऐसे ही दे देते हैं? मिर्ची के साथ में। मिर्ची के साथ। और वैसे मैक्सिमम जगह पे तो जलेबी फाफड़ा ज्यादा पसंद करते हैं ना लोग, तो अपने यहाँ जलेबी क्यों नहीं? वैसे हमारे करने वाले नहीं है। अच्छा, लोगों की कमी के कारण। अच्छा, पहले वैसे आप बता रहे थे कि शुरुआत में जलेबी भी रखते थे जब अंकल थे, तब जलेबी भी मिलती थी साथ में। अच्छा, और अभी सिर्फ मसाला फाफड़ा मिलेगा? फाफड़ा, खांडवी और कोकोनट पेटीज। तो कंटिन्यू सुबह से लेके शाम तक ये फाफड़े बनते रहते हैं? हाँ, क्या टाइमिंग रहता है अपने यहाँ? 8 से 8 सुबह, 8 से शाम के 8 बजे। 8 से 8 मंडे टू सैटरडे, संडे को 8 से 1 बजे। 8 से 1 बजे तक। अच्छा जी, दादी वैसे ये फाफड़ा बनाने में कितनी देर लगती है? एक दाम को 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट। और इसका जो मटेरियल रहता है उसमें क्या क्या रहता है, किस चीज़ का आटा रहता है? अजवाइन रहता है। अजवाइन, पापड़ खाद। पापड़ खाद, पापड़ का खारा बोलते हैं। अच्छा, पापड़ का खारा। 15-20 मिनट लगेगी। तो दिन में अंदाजन कितने किलो बनाते हैं ये? 5-10 किलो। मतलब लिमिटेड माल बनाते हैं ये? रेडी अभी तो ये देख लीजिए, यहाँ पे फाफड़ा मिल जाएगा आपको, खोपरा पेटीज मिल जाएगा। ये क्या है भैया? और ये दो चीजें पूरे नागपुर में सिर्फ अपने यहाँ मिलेंगे? तो वैसे आप जेठालाल के बहुत बड़े फैन हैं, तो उनका एक डायलॉग तो बनता है, कोई आपका जो फेवरेट डायलॉग वो बता दो एक। अरे कल का आया बका, ये भी बबीता जी को कलर लगा रहा है। ए पार्टी हट हट, ए पार्टी। क्या बात है यार, मजा ही आ गया। ये बापू जी, आज संडे है, आज जलेबी फाफड़ा खावाना ने मज्जा नहीं लाई। क्या बात है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑलरेडी बनी हुई नहीं है, जितना ऑर्डर आ रहा है उतना ही बन रहा है ना भैया, मतलब एकदम फ्रेश सर्व करते हैं। और वैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पे अपन एकदम साफ सफाई से काम करते हैं, ये तेल कौन सा है वैसे? हल्दी का तेल है। हल्दी का तेल, जो पापड़ रहते हैं वो इसी में बनता है, इसके अलावा किसी और तेल में नहीं बनता? बाकी लोग बनाते हैं दूसरे में, पर टेस्ट इसी में आएगा। ये महंगा होगा ना फिर? हाँ, ये महंगा। तो अपने यहाँ प्राइस का कोई दिक्कत नहीं है, बट चीज़ अच्छी खिलानी है। सब ग्राहक पैसा देता है, कोई मना नहीं करता। मतलब ग्राहक ही अपने वैसे बने हुए जो एकदम दिलदार है, और जिनको टेस्ट अच्छा चाहिए, भले फिर प्राइस थोड़ा ज्यादा हो चलेगा। तो वैसे जो अपने यहाँ कोबरा पेटीज और वो है खांडवी, वो सिर्फ अपने यहाँ मिलती है ना? क्या प्राइस रहता है उसका अपने यहाँ? खांडवी 20 रुपए प्लेट आती है, 70 रुपए पाव। अच्छा, और कोबरा पेटीज? कोकोनट पेटीज 30 रुपए प्लेट रहती है। ये मोस्टली मैंने इंदौर में बहुत देखा है, कोबरा पेटीज इंदौर में लोग बहुत पसंद करते हैं। नागपुर में लोग पसंद करते हैं इसे? हाँ, बहुत पसंद करते हैं। तो किस चीज़ के साथ सर्व करते हैं इसे? इसको दही की चटनी, और एक हमारी स्पेशल चटनी है। कौन सी? सिंगदाने की। अच्छा, उसके साथ भी करते हैं, जैसे ग्राहक की रिक्वायरमेंट। ओके मम्मी। दादी हमारे लिए एक प्लेट पापड़ा, एक प्लेट ये कोबरा पेटीज, और ये खांडवी है वो हमारे लिए लगा दीजिए। आप फाफड़ा से कपड़े की जाने हो इनका मसाला। ये चटनी है सिंगदाना की, एक जो इसमें इसमें तीनों में चल जाती है, और ये मिर्ची। तो यहाँ पे जो हमारा गुजराती स्नैक्स है वो रेडी है। ये है जी खांडवी, ये मिलेगा जी खोपरा पेटीज, ये नागपुर में सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगा। और यहाँ पे जो फाफड़ा है वो ऐसे ही सर्व करते हैं, इसके साथ जलेबी वगैरह कुछ सर्व नहीं करते हैं। अगर आपको भी ये ट्राई करना है और मिलना है आपको नागपुर की सुपर वुमन दादी से, तो आ जाना जी रामानुज फाफड़ा सेंटर, ये है जी इतवारी पोस्ट ऑफिस के पास में।
ये मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में।